नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां आपके स्टॉक से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं। हमारे दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचित जैन है चार्ट्स पर, जो अब हमारे साथ है, और कुछ ही देर में अविनाश गोरखशंकर भी हमारे साथ जुड़े। रुचित, सबसे पहले तो एक व्यू लेते हैं ब्रॉडर मार्केट्स पर, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। कैसा दिख रहा है इस वक्त बाजार आपके चार्ट्स पर? गुड मॉर्निंग विवेक जी। विवेक जी, हम देख रहे हैं कि लगभग पिछले एक सप्ताह से ही, जब से 10,500 के आसपास का रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, तब से एक प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये टाइम करेक्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगा आने वाले और कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक। और अगर हम पोजिशनली मार्केट को या निफ्टी के लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स देखें तो वो कहीं ना कहीं 9,990-10,000 की रेंज में आ रहे हैं, जहाँ डेली चार्ट्स पे 89 EMA भी है और ये प्रीवियस अपमूव का 61.8% रिट्रेसमेंट सपोर्ट भी है। तो हमें अभी भी लग रहा है कि ये जो करेक्टिव फेज पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो और थोड़ा एक्सटेंड होगा और लगभग 10,000 तक के लेवल्स हमें एक बार देखने को मिलेंगे निफ्टी में। तो करंट लेवल्स पे हम इंडेक्स में खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे, बट शॉर्ट पोजीशंस अगर किसी ने बनाई है तो वो होल्ड करनी चाहिए। 10,000 के आसपास इंडेक्स आता है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मार्केट में फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। इसके विपरीत बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने रादर देन प्राइस करेक्शन एक टाइम करेक्शन ही बता रहा है। 25,100-150 की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना लिया है इस इंडेक्स ने। तो हमें नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी में कोई गिरावट आएगी करंट लेवल से भी। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करें, जहां पे मोर ऑफ अ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है रादर देन इंडेक्स में कोई ट्रेड करने से अच्छा। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा टाइम करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है और 10,000 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो वहां पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेगी फिर से लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। गोपाल सोनी है हमारे साथ पुणे से, उनका सवाल लेते हैं। गोपाल नमस्कार। नमस्कार जी, आपके पास GMR इंफ्रा के शेयर हैं? हाँ जी, मेरे पास GMR इंफ्रा के शेयर हैं, 3,000 शेयर, 17.10 पे लिए मैंने। ओके ओके, चलिए रुचित, GMR इंफ्रा चार्ट्स पर। ये एक ऐसी कंपनी रही है जो विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इसने पिछले 3-4 महीने में दिखाया है। तो नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी राहत मिलेगी और यहाँ से कोई सिग्निफिकेंट अपमूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रहेगा। कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो NCC ज़्यादा बेटर बता रहा है, क्योंकि पिछले लगभग एक महीने में अपमूव में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो अगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ही अगर इन्वेस्टेड रहना है तो GMR इंफ्रा से मैं इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा और NCC में वही अमाउंट निवेश करने की सलाह दूंगा, जहाँ पे इनका लॉस भी रिकवरी हो जाएगा और आने वाले समय में 3-4 महीने में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी इनको देखने मिल सकता है। चलिए, एक और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रकाश बेंगलोर से। गुड मॉर्निंग प्रकाश। प्रकाश, मेरे पास HOSC का 200 शेयर्स है एट 31 रुपीस। ओके, तो इसको सर और होल्ड कर सकते हैं क्या, वापस बुक करूं? ओके, HOEC है रुचित इनके पास, इनकी खरीद है 31 रुपए की। आई थिंक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा था ये स्टॉक और इनको प्रेज करना होगा कि इतना अच्छा पेशेंस इन्होंने रखा है और अब तक ये स्टॉक होल्ड किया है। अब देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा कोई यहाँ पे संकेत नहीं है कि ये स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नियर टर्म या मीडियम टर्म में आएगा। तो मेरे हिसाब से इस बाजार के उतार चढ़ाव के साथ में थोड़े बहुत करेक्शंस देखने मिल सकते हैं मिड कैप स्पेस में, बट लेकिन ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में है तो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से भी दे सकता है। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि अभी भी होल्ड करें और आने वाले 4-6 महीने तक एटलीस्ट ये कंटिन्यू करें तो लगभग 145-150 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, एक और सवाल लेते हैं, राजेश का है मुर्शिदाबाद से, इनका SMS आया हमको। BHEL के 300 शेयर है इनके पास, 89 रुपीस पर लिए हैं, बताइए रुचित। इस स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, फिर से सेम थ्योरी है कि विद इन द सेक्टर एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है और यहाँ से भी कोई साइंस नहीं है कि ये स्टॉक रिवर्सल यहाँ से दिखेगा और यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंट मोमेंटम में आएगा। मेरी इनको सलाह रही कि यहाँ ये स्टॉक में से एग्जिट करें और अगर निवेश करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी तो लार्सन एंड टूब्रो में ये जो भी रकम है यही निवेश लार्सन एंड टूब्रो में शिफ्ट कर ले, जहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है खरीदारी करने के लिए। अगला सवाल लेते हैं दक्षिणी का बेंगलोर से, सिंटेक्स प्लास्टिक के इनके पास 362 शेयर है, 94 की खरीद है रुचित। सिंटेक्स प्लास्टिक कैसा दिख रहा है?
हालांकि ये लिस्टिंग हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मिड अगस्त में जब लिस्ट हुआ था उसके बाद, उसके पहले के कुछ मतलब हिस्टोरिकल ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो चार्ट्स पे इसको एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब से लिस्ट हुआ उसके बाद ये स्टॉक में कोई बाइंग के वॉल्यूम्स दिखे नहीं है, प्राइजेस कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहे हैं। फिर भी मेरी इनको सलाह रही कि टेक्निकली कुछ व्यू नहीं है मेरे पास, तो एक बार किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से ये व्यू ले लें तो ज्यादा बेहतर व्यू मिल सकता है। चलिए अभी जब अविनाश जुड़ेंगे तो उनसे पूछ लेंगे। संजय का सवाल है सूरत से, HDIL के 250 शेयर है 85 रुपीज में, HDIL पर क्या नजरिया है आपका रुचित? काफी समय से ही ये स्टॉक में लो टॉप लो बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में जब रियल एस्टेट के शेयर्स के भाव बढ़ रहे थे, जैसे DLF है, कोल्टे पाटिल है, शोभा लिमिटेड, ऐसे काफी सारे शेयर्स के भाव अच्छे थे जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम था, बट उसके अगेंस्ट ये स्टॉक कंटिन्यू से करेक्टिव ट्रेंड हमने देखने को मिला है। तो यहाँ से भी इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। विद इन रियल एस्टेट स्पेस में अगर निवेश करना है तो कोल्टे पाटिल हमको काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक में हो रहे हैं, तो आगे चल के एक आउट परफॉर्मेंस वहां से देखने मिल सकता है। चलिए एक और सवाल आया है बलवंत यादव का दिल्ली से, JP एसोसिएट्स के इनके पास शेयर है, 100 शेयर है 25 रुपए में। रुचित क्या राय है आपकी इस पे? फिलहाल ट्रेंड ऑल्दो पॉजिटिव नहीं है ये स्टॉक का, लेकिन अगर मैं पिछले 5-6 महीने के स्टॉक में ये एनालिसिस करूं तो वॉलेटिलिटी एक तो काफ़ी है, सेकेंडली 200 दिन का मूविंग एवरेज जो टेक्निकली हम एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जिसके मानते चलते हैं, उस मूविंग एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है, तो जब तक वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये स्टॉक में फिर से बाउंस बैक आएगा और इनका एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। मेरी इनको सलाह रहेगी एक हाई रिस्क ट्रेड है तो आप होल्ड करें इस स्टॉक को, लेकिन नीचे 15.5 या 15 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। चलिए अब चलते हैं रांची जहां से अभिषेक कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिषेक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए कौन सा शेयर है? HEG के शेयर है, 90 शेयर लिए है 1800 में। ओके ठीक है, चलिए उसके बारे में जानना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू से। और मैंने एक इंट्राडे पर्पज से BSF लिया है। कौन सा? BSF। अच्छा चलिए दोनों पे राय लेते हैं रुचित की। रुचित HEG और BSF। जी HEG की अगर हिस्टोरिकल डेटा हम पिछले एक डेढ़ साल में देखें तो बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूस ये स्टॉक में लोअर सर्किट लगी है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो इन्वेस्टर्स ने काफ़ी निचले स्तर पर लॉन्ग पोजिशन बनाई है उनकी प्रॉफिट बुकिंग मूव हो सकती है। मेरी इनको सलाह रही है कि एज ऑफ नाउ ये होल्ड करें, लेकिन ये स्टॉक में अगर इनके कॉस्ट प्राइस के नीचे जाता है, क्योंकि 1800 का ये सपोर्ट भी है शॉर्ट टर्म, और कॉस्ट प्राइस के नीचे ये स्टॉक को जाने ना दे, इनके कॉस्ट प्राइस के नीचे जाता है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके एग्जिट कर ले। इसके विपरीत BASF में रिसेंटली हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, लगभग 1650 से 1900 का स्तर पिछले 3-4 दिनों में, जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तभी ये स्टॉक चल रहा है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइंस है, कंपेटिवली वॉल्यूम्स भी आने लगे हैं, तो इस स्टॉक को होल्ड करें 2150 तक के टारगेट के लिए। आइए अब चलते हैं पुणे जहां से वर्षा जुड़ रही है हमारे साथ अपना सवाल लेकर। वर्षा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ मेरा सवाल है पिनकोल स्पिरिट के ऊपर, मेरे पास 50 शेयर है 70 रुपीज के प्राइस पे। ओके। और एक दूसरा शेयर है अदानी पोर्ट 426 रुपीज के प्राइस पे। आप इसमें ट्रेडिंग कर रही हैं कि निवेश के लिए लिया है? लिए लिए थे, अभी क्या कर सकते हैं इसमें। कब लिए आपने ये शेयर्स? अभी जल्दी ही लिए हैं। अच्छा हाल ही में लिए हैं आपने। चलिए अविनाश क्या राय है आपकी इन दोनों कंपनियों पर, पिनकोल स्पिरिट और अदानी पोर्ट? आई थिंक विवेक अडानी पोर्ट पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर ये 6-12 मंथ्स का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से नतीजे तो काफी अच्छे आ गए हैं। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट आया है बोथ टॉप लाइन एज वेल एज इबिटा में। हमको लग रहा है कि FY18 के बाद FY19 भी एक अच्छा साल रहेगा, अगर इनकी 6-12 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बन सकता है। रही बात पिनकोल स्पिरिट्स की, तो मुझे लग रहा है कि ब्रेवरी स्पेस में बाकी भी अच्छे प्लेयर्स है, जैसे ग्लोबल स्पिरिट्स है, फ्रंटलाइन प्लेयर्स में यूनाइटेड ब्रेवरीज है। पिनकोल स्पिरिट्स में बीच में थोड़ी सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू आया था, तो यहां से निकल जाए कोई भी राइज में तो यही इनके लिए अच्छा रहेगा। एक और दर्शक का भी हमें पहले सवाल आया था, विनाश आप थे नहीं तब शो पर, सिंटेक्स प्लास्टिक पे आया था, उनका 94 की खरीद थी,
रुचित का ये मानना था कि चार्ट्स पर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि नई लिस्टिंग है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? मेरे ख्याल से आई थिंक इनका पहला जो क्वार्टर आया है लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन अगर हम मीडियम टर्म व्यू ले तो मेरे ख्याल से ऑटोमोटिव बिजनेस बोर्ड डोमेस्टिक एज वेल एज यूरोपियन मार्केट से काफ़ी सिग्निफिकेंटली आता है, तो अगर 12-15 मंथ्स का नजरिया है तो मेरे ख्याल से होल्ड करें। मैं समझता हूँ कि सेकेंड हाफ ऑफ FY18 विल बी डेफिनेटली बेटर, और यहाँ से जो भी डाउन साइड होनी थी वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी हो चुकी है, तो क्लियरली एक साल का नजरिया रखें, यहाँ से अच्छा मुनाफा बन सकता है। चलिए, अर्निंग्स का सीजन है और सुमित जुड़ रहे हैं अब हमारे साथ सोलर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया विवेक, हमारे साथ मिस्टर नीलेश पनपलिया हैं, CFO कंपनी के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर तिमाही में देखने को मिले हैं सोलर इंडस्ट्रीज के, स्पेशली कोल इंडिया का जो एक ऑर्डर है वो काफी बड़ा है, कोई अच्छा और बिजनेस वहां से आया है, और क्या प्रोमिनेंट रीजन रहे सर? क्वार्टर जो रहा वो हमारे लिए काफी अच्छा रहा, इसमें जैसा कि यहाँ पे अपने भारत में करीब करीब रोड कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सेक्टर से अच्छी डिमांड रही, और उसी तरह माइनिंग सेक्टर से जिसमें कोल इंडिया और सिंगरेनी कॉलोनीज है वहां से भी अच्छी डिमांड रही। पर बात यह कि जो हमारे ओवरसीज ऑपरेशन है वहां में काफी अच्छी ग्रोथ आई है हमारे सेकेंड क्वार्टर में, और जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो टोटल टारगेट है बाय 2020 जो हमको थ्री फोल्ड इंक्रीज करना है वहाँ पे रेवेन्यू, तो उसी प्रमाणिक यहाँ पे अभी अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट हाफ में हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट 280 करोड़ आए हैं, और पूरे पिछले साल अगर पूरा साल पिछला कंपेयर करें जिसके अंदर में अराउंड 350 करोड़ का रेवेन्यू था, ये दर्शाता है कि जिस हिसाब से चल रहा है तो ओवरसीज ऑपरेशन काफी अच्छे चल रहे हैं। ओके सर, डिफेंस से 131 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है आपकी, क्या इस स्पेस में कुछ बड़े ऑर्डर्स के लिए बिड कर रही है कंपनी? हाँ, अभी जैसा कि डिफेंस ने RFP बहुत सारे फ्लोट किए हैं, और ये जैसे मार्च में फ्लोट किए थे और उनके अनुसार वो खुला था, तो हमारी कंपनी तो पूरी गेयर्ड अप है टू पार्टिसिपेट फॉर दिस RFP। अभी डिफेंस वालों ने इसको पोस्टपोन किया है दिसंबर तक, अगर वो दिसंबर में आते हैं तो हम लोग काफी सारी एरियाज में बिड करेंगे, जिसमें खास करके पिनाक रॉकेट का जो असेंबली प्लांट की बात कर रहे हैं जो हमारा तैयार है, तो वो एक बड़ा ऑर्डर हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा कई वॉरहेड्स वगैरह के लिए भी हम लोग बिड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और नंबर्स पे और एक्सपेंशन पे बातचीत करने के लिए। तो विवेक, सोलर इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट मानता है कि आने वाले अपकमिंग जो ऑर्डर्स हैं डिफेंस के उसमें ये जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे ऑर्डर्स की उम्मीद भी है वहां पे। चलिए अब चलते हैं मुंबई, इमाम जुड़ रहे हैं अपना सवाल लेकर हमारे साथ। इमाम नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूं सर जी। वेदांता के आपके पास शेयर्स हैं, कब लिए आपने, क्या राय है आपकी, आप क्या शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं कि लॉन्ग टर्म? सर मेरा दिसंबर एंडिंग तक का व्यू है, तो दिसंबर एंडिंग तक क्या मुझे राय चाहिए थी आप? ओके, चलिए दिसंबर 18 तक, तो एक साल के करीब है अभी आप? सॉरी, दिसंबर 18 नहीं, दिसंबर एंड तक, ये दिसंबर। चलिए, शॉर्ट टर्म व्यू है आपका। रुचित आप बताइए, वेदांता। आई थिंक ज़्यादातर सब मेटल स्पेस में पिछले एक सप्ताह में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिल रही है, जिसमें वेदांता की बात करें तो वेदांता डेफिनेटली काफ़ी लंबे समय बाद में इस स्टॉक ने अपना जो 89 EMA का सपोर्ट था वो ब्रीच किया है, तो आने वाले समय में इनका सिर्फ 1-1.5 महीने का जो व्यू है हमें लग रहा है कि ये थोड़ा करेक्टिव मूव और एक्सटेंड होगा और 270 रुपये तक के स्तर हमको इसमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है और 270 के आसपास इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट फिलहाल मेरी इनको सलाह रही कि थोड़ा सा उछाल आता है और 305 के आसपास जाता है स्टॉक, तो वहाँ पे स्टॉक को एग्जिट कर ले, और अगर इनको फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 1-1.5 महीने में 270 के आसपास आता है तो वहाँ पे फिर से लॉन्ग बना सकते हैं। चलिए, अभिनाभा समदार कोलकाता से अपना मैसेज भेज रहे हैं, भारती इंफ्रा के इनके पास शेयर्स हैं 93 रुपए में। अविनाश, भारती इंफ्रा? मुझे लग रहा है कि विवेक ये डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म रखने वाला शेयर है। बीच में अभी एक ब्लॉक डील हुई थी जहां पे भारती इंफ्राटेल के काफ़ी बड़े क्वांटिटी में शेयर्स बेचे हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट जिस प्रकार का कंसोलिडेशन हमको टेलीकॉम सेक्टर में दिख रहा है, ये स्टॉक में डेफिनेटली जो आगे का जो रोड मैप है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की आरपूज कंपनीज में अभी स्टेबल हो रहे हैं, इनके लिए भी टेनेंसी का जो रेंटल इनकम है वो
काफी स्टेबल रहेगा. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखे यहाँ से. डेफिनेटली अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है इवन फ्रॉम द करंट लेवल. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका, रुचित आपका भी आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए.